दुनिया के सारे कंट्रीज एक साथ विजिट करना चाहेंगे और भी कुछ ही घंटों में? जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही, ये पॉसिबल है। मैं आज आपको ऐसे जगह लेके चलूंगी जहाँ आप 80 देशों की संस्कृति को एक साथ देख सकते हो। हे गाइस, आप सबका स्वागत है ग्लोबल विलेज दुबई में। तो हम आ गए अभी ग्लोबल विलेज में। ग्लोबल विलेज दुबई हर साल एक नए थीम के साथ आता है। ये एक ऐसा विलेज है जो 80 देशों की संस्कृति को 26 पेविलियन में संजोकर हमारे लिए लेके आया है। ये साल के कुछ महीने ही खुलता है, आप इसको एक एक्सपो बोल सकते हो। इस साल ये अक्टूबर 22 से लेके अप्रैल 23 तक ओपन है। अगर इस पीरियड में आप दुबई विजिट कर रहे हो तो ये अपने आइटिनरी में जरूर रखिएगा। अगर आपको भी US वीज़ा का अपॉइंटमेंट नहीं मिला है तो डोंट वरी, आप दुबई आके आराम से अमेरिका घूम सकते हो। स्टार्ट करते हैं फ्लोटिंग मार्केट से। यहाँ करीब 38 दुकानें हैं जो सोबिनियर और फूड स्टॉल्स में डिवाइडेड है। ये एक ऐसा विलेज है जहाँ जाके आप शॉपिंग, लाइव शो, स्टंट शोज, राइड्स, गेम्स, स्वादिष्ट भोजन सबका आनंद एक साथ उठा सकते हो। यहाँ फायरवर्क्स भी होता है एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे रात को 9 बजे, तो अगर आप फ्राइडे सैटरडे को विजिट करो तो ये जरूर देखिएगा। हर पेविलियन में आपको उस देश की कला, संस्कृति, वहाँ बनने वाली वस्तुएं और खाने पीने की चीजें दिखाई देंगी। चलते हैं बारेन में। ये परफ्यूम और स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। ये लोकेटेड है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे। हम IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर करके ग्लोबल विलेज गए थे, दोनों एक ही तरफ पड़ता है। हम टैक्सी से गए थे, आप टैक्सी या बस किसी से भी आ सकते हो। मॉल ऑफ एमिरेट से हर एक घंटे में बस मिलती है जो 40 मिनट में ग्लोबल विलेज पहुंचा देती है, और दुबई मॉल से हर आधे घंटे में बस मिलती है जो 1.5 घंटे में ग्लोबल विलेज पहुँचाती है। यमन जाना जाता है अपने हनी के लिए। यहाँ तरह तरह के हनीज मिलते हैं और काफ़ी प्योर मिलता है, तो अगर आप हनी लेने का सोच रहे हो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ लाइव कॉन्सर्ट्स भी होता है जिसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस बना हुआ है, और हर 10 से 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होती रहती है। चलते हैं ईरान में। एक्चुअल में हम कभी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे पता नहीं, पर दुबई आके ईरान जरूर विजिट कर लेंगे। तो ये जाना जाता है अपने कारपेट्स और पेंटिंग्स के लिए। नेक्स्ट है मोरक्को। हम इस पेविलियन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 8 घंटे में आप पूरा ग्लोबल विलेज कवर कर सको। इसको पूरा कवर करने के लिए आपको सेकेंड टाइम आना ही पड़ेगा। इजिप्ट की कॉटन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो आप कॉटन के बने हुए कपड़े खरीद सकते हो, डेकोर पीसेस खरीद सकते हो और स्पाइसेस खरीद सकते हो इस पेविलियन से। कड़क चाय का स्टॉल देख के हमारा भी मन कर गया चाय पीने का। चाय यहाँ 2 धीरम है और समोसा 3 धीरम है। चाय एक्चुअल में अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, ये यूरोप है। हम यूरोप इतनी बार जा चुके हैं फिर भी एक राउंड लगा ही लेते हैं।
यहाँ सबके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ है। पूरा कार्निवल है जहाँ सिंपल राइड से लेके डिफिकल्ट राइड्स तक है, थीम राइड्स है, गेम्स है। तो बट आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, आप ऑनलाइन जाके ऐप से खरीद सकते हो, जो आपको सस्ती भी पड़ेगी और क्यू में भी नहीं लगना पड़ेगा। रिप्लीज बिलीव इट और नॉट, फिर एक सेक्शन है जहाँ मिरर मेज, 4D मूविंग थिएटर और म्यूजियम है। इसकी कॉम्बो टिकट आती है 75 धीरम की। आप इसको ग्लोबल विलेज ऐप में जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। इंडिविजुअल परचेज करोगे तो महंगी पड़ेगी। भूख लगी है तो चलो इंडिया, समोसा, चाट, चाय, डोसा सब मिलेगा। बाहर से खाना लाना तो अलाउड नहीं है, तो आप आराम से यहाँ पे खा सकते हो। पूरी चाट गली बसाई है इंडिया ने यहाँ। और भी कंट्रीज़ के फूड स्टॉल्स मिलेंगे आपको यहाँ। जापान के पेविलियन में जाके हमने ट्राई किया मोची आइसक्रीम। ये स्वीट होती है, राइस डो से बनती है और थोड़ी च्यूवी होती है, बट ट्राई करना बनता है। चलते हैं रोड्स ऑफ एशिया की तरफ। यहाँ भी कुछ हो रहा है। वाओ, ये तो लाइव पोर्ट्रेट बना रहे हैं। इसका कॉस्ट ना 120 दिरहम के आसपास आता है और ये टी शर्ट और कैनवस दोनों पे बना के देते हैं। जिस पे भी आपका बनवाना हो उस हिसाब से चार्ज करते हैं। यहाँ 13 एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि के स्टॉल एक साथ है। रशिया से आप गर्म कपड़े और चेस बोर्ड ले सकते हो। चेस यहाँ का मोस्ट पॉपुलर गेम है। और इससे आपको किसी का नाम याद आ रहा है? हाँ, गैरी कैस्परोव, जो एक टाइम पे ग्रैंड मास्टर हुआ करते थे चेस के। तो यहाँ से आप सुंदर सुंदर डिज़ाइन के चेस बोर्ड खरीद सकते हो। यहाँ तो स्टंट शो भी है, चलो ये देखते हैं। ये वाटर बेस्ड स्टंट शो है जिसके अंदर जेट स्की स्टंट, फ्लाई बोर्ड स्टंट और कार और बाइक फ्लिप होती है। तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, देखते हैं। 15 दिरहम की टिकट है और 45 मिनट के आसपास शो चलता है। मजा आ गया, बाय गॉड। अगर आप यहाँ आते हो इसको जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा शो है। वीज़ा तो नहीं मिला, चलो अमेरिका यहीं घूम लेते हैं। अगर आप चलते चलते थक गए हो तो आप यह बग्गी भी हायर कर सकते हो। टिकट खरीदी थी ऑनलाइन 20 दिरहम में। ऑनलाइन हमेशा सस्ती होती है कंपेयर टू बाइंग फ्रॉम द काउंटर, प्लस क्यू में भी नहीं लगना होता है। रात होते होते ठंड हो गई थी और हम सुबह के निकले हुए थे तो टायर्ड भी हो गए थे। अदरवाइज घर जाने का तो मन नहीं कर रहा था। ग्लोबल विलेज एक्सप्लोर करने के लिए ना काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो हम तो पूरा एक्सप्लोर कर भी नहीं पाए थे। अगर आप आओ तो पूरा टाइम लेके आओ, एक एक चीज़ को टाइम दीजिए और ये आपको करना ही करना चाहिए। दिस इज़ अ मस्ट ट्राई फ्रॉम माई साइड। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।